नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। टी20 वर्ल्ड कप के शुरू होने से पहले खिताब की प्रबल दावेदार मानी जा रही भारतीय टीम की हालत इस समय टी20 वर्ल्ड कप में सबसे खराब है। भारतीय टीम ने अब तक टी20 वर्ल्ड कप में जैसा खेल दिखाया वो औसत दर्जे से भी नीचे का रहा है। भारत से अच्छा प्रदर्शन तो टी20 वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान की टीम कर रही। भारत ने टी20 वर्ल्ड कप में 2 मैच खेले और दोनों ही मैचों में भारत को हार का सामना करना पड़ा। भारत ने पहला मैच पाकिस्तान के खिलाफ गवाया तो वहीं दूसरा मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ गवाकर सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीदों को लगभग तोड़ दिया। भारतीय टीम के इस घटिया प्रदर्शन से भारतीय क्रिकेट फैंस काफी ज्यादा भड़के हुए। भारत की हार के बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें देखा जा सकता है कि एक फैन टीम इंडिया की हार पर काफी भड़का हुआ है और वो बीसीसीआई और आईपीएल पर जमकर अपनी भड़ास निकाल रहा है। टीम इंडिया की हार पर भड़का ये फैन कहता है, जब आप घमंडी हो जाते हैं तो ऐसा ही होता है। सबसे पहले बीसीसीआई और फिर आईपीएल। बीसीसीआई और आईपीएल ठंडे हो जाओ, तुम भगवान नहीं हो, यही सच्चाई है। तुम आईपीएल के लिए नहीं बल्कि अपने देश के लिए खेल रहे हो। अपने दिमाग में बैठा लो, तुम दुनिया के सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड हो सकते हो लेकिन अपने देश के लिए खेलते वक्त आपको पिच पर अपनी काबिलियत दिखानी होती। भारतीय खिलाड़ियों का दोनों ही मैचों में फ्लॉप प्रदर्शन रहा है। भारतीय बैटिंग का ऊपरी क्रम बुरी तरह से फ्लॉप होने के बाद भारत का मध्य क्रम भी कुछ कमाल नहीं कर सका। वहीं भारत का बॉलिंग अटैक भी पूरी तरह से फेल रहा। यही वजह है कि फैंस भारतीय टीम बीसीसीआई और आईपीएल पर भड़ास निकाल रहे। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड से हार के बाद टीम इंडिया की किस्मत बाकी टीमों के प्रदर्शन पर निर्भर करेगी। अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच होने वाले मुकाबले में अफगान टीम जीत जाती है तो टीम इंडिया की सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीदें जिंदा रहेंगी। हालांकि इसकी संभावना ना के बराबर नजर आ रही है।